तो आज की हमारी इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना पिवट टेबल का पार्ट टू। हमने पिवट टेबल के पार्ट वन को कल पढ़ा था, आज हम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। और आप लोग अगेन, सिर्फ सुधीर जी ने अपना टेस्ट फाइल भेजा है, आप लोगों ने टेस्ट फाइल नहीं भेजा है। मैं अपनी ईमेल आईडी भी भेजा था, मेल पे भी नहीं आई है और व्हाट्सएप पे भी नहीं आई है। तो चलिए शुरू करते हैं पिवट टेबल का सेकेंड पार्ट। हम स्टार्ट करेंगे पिवट टेबल को एक्सटर्नल पिवट टेबल से। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट टेबल से। देखिए, पिवट टेबल में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है डेटा अपडेट का, कि डेटा जब अपडेट होता है तो आपको वापस रीसेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसको कैसे रोका जाए, ये हम आज बात करेंगे आपके साथ। साथ में पावर क्यूरी में पिवट का क्या रोल है, पिवट टेबल में रिलेशनशिप क्या है, इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। और ये बता दूं, ये लेटेस्ट एक्सेल का हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मे बी आपके एक्सेल में कुछ फीचर्स नहीं हो सकते। जैसे कि स्लाइसर वगैरह आपके 2007 में नहीं है, 10 में नहीं है, रिलेशनशिप, पावर पिवट टेबल, तो ये चीजें आपके सिस्टम पे नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने डेटा ऑन किया हुआ है, लिया हुआ है। अब इस डेटा में मेरे पास डेटा शीट है। अब क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि 3913 तक डेटा है हमारा। जैसे ही हम कोई यहाँ पे पिवट, मान लीजिए मैंने बना दिया, पिवट टेबल बनाया, ओके किया और मैंने एक रिपोर्ट तैयार कर। अब क्या है कि अभी रिपोर्ट में क्या है, 1914 है। अगर आपने कहीं पे डेटा को चेंज किया, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका रिजल्ट अपडेट होगा। देखिए 84 हो गया, 14 था। लेकिन कुछ डेटा नया ऐड करेंगे, जैसे कि मैं अपने डेटा में नीचे कुछ नया डेटा ऐड करता हूँ, उसे 3914 आज का डेट डाल दिया और यहां पे मैं एक नया प्रोडक्ट यूपीएस, दे दिया। अब ये नया प्रोडक्ट जो है आपके इस डेटा में ऐड नहीं होगा। देखिए, नया नाम, नया प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि जब हमने पिवट लगाया था तो हमारा पिवट का सिलेक्शन यहीं तक था। अब एक नया बढ़ गया तो पिवट अपने आप को खुद ब खुद इंक्रीज नहीं करता है। इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एनालाइज टूल्स में पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर एनालाइज टूल्स आएगा, उसमें हमारे पास आता है यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स। इस चेंज डेटा सोर्स पे जाइए और अपने डेटा को वापस रीसेलेक्ट कीजिए, डेमो, तब जाके यहाँ पे आपके सामने दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि बार बार हमें इस चीज को करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो हर दिन अपडेट होते रहता है, एक के नीचे हर दिन अपडेट होते रहता है, उस केस में क्या करें? तो सुधीर जी, आप इस केस में क्या करेंगे? जी हाँ, देखिए इसके कई सारे तरीके हैं। पहला जो आपने बोला ना, ड्रैग टू इंसर्ट करना, ये सही सलूशन नहीं है। सही सलूशन क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लैंक टू इंसर्ट होने के बाद आपके रिजल्ट में एक ब्लैंक आइटम खुल जाए, तो वो आपके रिपोर्ट के लिए एलर्जी नहीं है। दूसरा तरीका आपने बोला टेबल में कन्वर्ट करने का, तो ये तरीका कुछ हद तक है, लेकिन 100% इसको नहीं कहेंगे कि हाँ गुड है। 100% गुड है क्यों नहीं कहेंगे, मैं बताता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने इंसर्ट टेबल में कन्वर्ट कर, मैं इस पे पिवट टेबल लगा रहा हूं।
पिवट टेबल में आया और मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे क्वांटिटी। अब कोई नया डेटा आप मैनुअली इंट्री करेंगे तो ठीक है, अब पिवट अपने आप आ जाएगा। उसे मैं यहाँ पे 3914 कर दिया, ये पिवट के आपके टेबल के अंदर आ गया, आ गया सर। लेकिन कई केसेस में जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कई बार डेटा नहीं आएगा, समझ गए ना। जब लार्ज डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो कई बार आपका नहीं आएगा, तो वहां पे दिक्कत होगा। मैं कन्वर्ट टू रेंज कर देता हूं। तो उसके दो तरीके हैं, इसके जो तरीके हैं दो, एक और तरीका है जो कुछ हद तक सही है, एक और तरीका है जो 100% सही है, समझ गए। जैसे मैंने बताया था कि ऑटोमेशन 100% नहीं होती, सेमी ऑटोमेशन भी होता है, फुल्ली ऑटोमेशन। अब वॉशिंग मशीन किने जाते हैं आपसे पूछता है कि सेमी ऑटोमेटेड चाहिए फुल्ली ऑटोमेटेड चाहिए, तो सेम चीज यहां भी होता है। तो इसके लिए हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का मदद ले सकते हैं। हम पिवट टेबल पे जाएंगे, एक ब्लैंक सीट पे जहां पे हमें पिवट लगानी है वहां पे कर्सर रखेंगे, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन। इस चूज कनेक्शन पे आएंगे और यहां पे आता है ब्राउज फॉर मोर, और अपने डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। एंड ओपन। फिर इसके अंदर जितने भी शीट्स हैं उस शीट्स में आपका डेटा जिस शीट पे है उस शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन हम यहां पे नेम डालता हूं और यहां पे मैं क्वांटिटी डालता हूं। तो ये सेम फाइल में हमने एक्सटर्नल मेथड इस्तेमाल किया है। अब यहां पे हम 3915 ऐड करता हूं, डेट डालता हूं, ये पूरा डाल देता हूं, बस नाम चेंज कर देता हूं ताकि वहां पता चले कि डेटा ऐड हुआ है नहीं। राम प्रताप की जगह पे मैं यहां पे के जस्ट आपको, अब यहां भी ऑटोमेटिक नहीं होगा जब तक कि आप रिफ्रेश नहीं करते। जैसे रिफ्रेश करेंगे सॉरी एक्शन में भी पते पर हमारा ये है ना, आ गया। ओके सर, बट इसमें जी हाँ वो अलग है, सॉफ्टवेयर के साथ करता है। यहां पे देखिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब सॉल्यूशन तो समझ गए, प्रॉब्लम ही समझना है। इसमें अगर आप कोई नया कॉलन ऐड करते हैं, जिसे मैं यहां पे ओपीसी कर दिया, तो यहां पे देखिए दिल्ली आया, यहां आपके डेटा में नहीं आए, जो आपका डेटा है उसमें ये चीज नहीं हो। रिफ्रेश कीजिए, मैं ये थ्री में आया, रिफ्रेश कीजिए, यहां आपका दिल्ली नहीं है, नहीं आया। तो मतलब कि आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका रो तो पूरा का पूरा आएगा बट कॉलम इंक्रीज नहीं होगा। कॉलम इंक्रीज करने के लिए हमें यूज करना है होता है ऑफसेट फॉर्मूला, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ऑफसेट फॉर्मूला को हम फॉर्मूले वाली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ सॉल्यूशन दिखा देते हैं, बस आप लोग उसको नकल कर लीजिएगा। हम यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला देते हैं, A1 स्टार्टिंग है हमारा, रो 0 है, कॉलम 0 है, हाइट में हमने काउंट A का फॉर्मूला लगाया और हम किसी एक कॉलम जिस कॉलम में ब्लैंक ना हो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और विड्थ में हमने वापस काउंट A लगाया और हेडिंग को सिलेक्ट कर। अब यहां पे डेटा पूरा आ गया ना सर, तो यहां क्या करना है कि मुझे इस फॉर्मूले को यहां नहीं लगाना है, मतलब यहां से समझाने के लिए लगा रहा हूं। अब इसको F4 करके फ्रीज कर दीजिए और इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद आप चाहिए फॉर्मूला मेनू बार पे डिफाइन नेम, और इसमें हम देते हैं नेम डेटा, जो भी नाम,
और नीचे आप वो फॉर्मूला को पेस्ट कर दीजिए। डबल इक्वल आ गया, एक इक्वल डिलीट कर देता हूँ। अब इसको फॉर्मूला हटा दीजिए। अब क्या हुआ कि हमने एक डिफाइंड नेम तैयार किया हुआ है। डिफाइंड नेम क्या करता है कि इस फॉर्मूले को ट्रिगर करता है। डिफाइंड नेम में आते हैं तो जो डिफाइंड नेम डेटा का है ये क्या करता है, इस फॉर्मूले को ट्रिगर करता है। ये फॉर्मूला क्या करता है, ये पूरा जो डेटा है उस डेटा को कंसीडर करता है, मतलब कि उसका रेंज देता है। अब इसी फॉर्मूले को मुझे अपने पिवट टेबल में डालना है। पिवट टेबल यहाँ पे सिंपल डेटा, क्योंकि यहाँ पे टेबल और रेंज दिया हुआ है ना। आ गया। अब मैं अपने डेटा में कोई नया कॉलम ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ओपीसी किया था ना यहाँ पे दिल्ली, और नीचे हम यहाँ पे इसको, अब मैं अपने शीट को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, यहाँ देखिए ओपीसी का नया कॉलम आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बनाया फॉर्मूला कैसे होगा, तो आप लोग इसको रिकॉर्डिंग देख के एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इस फॉर्मूले को डिटेल में मैं आपको फॉर्मूले की क्लास में समझाऊंगा, ठीक है सुधीर जी? ठीक है, किया था तो अच्छी बात है सर। और आपको बता दूं इसका इजाद मैंने किया था 2008 में। आपको कोई भी वीडियोस दिखेंगे 2008 से कोई पहले का वीडियो यूट्यूब पे दिखता है, इसका मतलब है कि मैंने इजाद ना किया है, नहीं 2007 में इसका इस्तेमाल किया था सर। और इसका वीडियो बना के मैंने वीडियो बनाया था सर इस पर 2007 में। चलिए अब आगे बढ़े इसमें। तो एक तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स के बारे में आपने जान लिया, दूसरा एक पहलू जान लिया। अब दूसरा पहलू क्या है, क्या होता है आपके लोगों के पास कोई मास्टर डेटा होगा जो काफी बड़ा होगा। जब भी आप उस डेटा को ओपन करते हैं तो कुछ सेकेंड्स या मिनट के लिए वो हैंग हो जाता है, ठीक है, कुछ सेकेंड्स एंड मिनट के लिए वो हैंग हो जाता है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि फाइल को बिना खोले ही पिवट लगा दें। तो हमारा डेटा देखिए यहाँ बुक फोर है हमारा जिसमें पिवट लगाने जा रहे हैं, और डेटा हमारा पड़ा हुआ है मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में। बोलिए, तो आप देखिए यूज़ एक्सटर्नल डेटा सोर्स का मतलब होता है, फिलहाल तो हम एक्सेल टू एक्सेल लिंक कर रहे हैं, फिर और भी बताता हूँ कि और भी सॉफ्टवेयर से लिंक होता है। तो हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस में डेटा मतलब कि मेरा फाइल कहीं और पड़ा हुआ है, और हम यहाँ पे कहीं और हम पिवट कहीं और लगा रहे हैं। तो हमने पिवट जो है दूसरे फोल्डर में लगाया और हमने डेटा ले लिया ओके, और यहाँ पे तो फाइल पड़ा हुआ है कहीं और, हमने डेटा ले लिया। इससे फायदा क्या होता है कि आपको पिवट को कनेक्ट करने में जितना टाइम लगता है वही टाइम लगेगा, फिर पिवट को यूज करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। पहली प्रॉब्लम पहली होगी कि आपकी फास्ट चलेगा, वरना उस डेटा पे पिवट लगाएंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा अगर बहुत बड़ा डेटा है। दूसरी होता है कि आपका डेटा सिक्योर होता है, डेटा आपका सिक्योर होता है। तो क्या है कि हर बार जब भी आप फाइल ओपन करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो सिक्योर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। क्योंकि जो थर्ड पर्सन मान लीजिए एक मास्टर डेटा है, हर कोई बंदा उससे पिवट लगा के रिपोर्टिंग बनाता है, तो उसको एज ए पिवट इंसर्ट करके दे दीजिए, वो अपना करता रहेगा। उस डेटा को एक शेयर ड्राइव में डाल दीजिए, एक ही डेटा पे पिवट के थ्रू बहुत सारे लोग काम करेंगे।
अब बात आती है कि अगर डेटा आपका एमएस एक्सेस में पड़ा हो, एमएस एक्सेस में क्यों पड़ा हो, जैसे कि आपने बोला सुधीर जी कि नोटपैड में फाइल पड़ी थी, वहां से इंपोर्ट करके हमने कर लिया, पीपीएफ बना लिया, तो नोटपैड से जो फाइल आपने या जो आपका फाइल एक है, बड़ा डेटा फाइल है, उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एमएस एक्सेस में रखते हैं, क्योंकि एक्सेल में डेटा की लिमिट है और लिमिट के साथ साथ क्या है, आपका डेटा हैंग भी होता है, फाइल डेटा फाइल आपका हैंग भी होता है। सो हम चाहते हैं कि हमारा फाइल एक्सेस पे हो, मेरा डेटा बेस एक्सेस पे पड़ा हुआ, तो आप एमएस एक्सेस से भी डेटा को ला सकते हैं। यहाँ पे यूज एक्सेल सोर्स, जैसे आपने सेलेक्ट किया था एक्सेल फाइल, वैसे ही आप यहाँ एक्सेस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फाइल की क्यूरी, फाइल का टेबल आप यहाँ लेके आ सकते हैं। ओके, उस तरह से फाइल अगर मान लीजिए एमएस एक्सेस के अलावा अगर कहीं और पड़ा है, जैसे सीक्वल पे पड़ा है, एसक्यूएल सर्वर पे पड़ा है, तो वहां से भी ला सकते हैं, बट उसके लिए आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए। तो मैं अपना एसक्यूएल सर्वर ऑन कर लेता हूं, थोड़ा सा स्लो चलेगा तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है कि मान लीजिए कि आप किसी एक लोकेशन से, जिसको एफटीपी बोलते हैं, आप फाइल को डेली डाउनलोड करते, डाउनलोड करने के बाद फिर उस पर अपना रिपोर्ट जनरेट करते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा फाइल जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक उस लिंक से कनेक्ट हो जाए। तो चलिए हम एक फाइल डाउनलोड करते हैं एक्सेल। एक्सी इंटरनेट पे फाइल ढूंढ रहा हूं, सरकार की से अभी भेजा है। तो आप उस लिंक को इंसर्ट कीजिए पिवट टेबल, यूज एक्सेल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, उसमें पेस्ट करिए एंड ओपन करिए। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कर देगा। ये फाइल का डायरेक्ट लिंक नहीं था, इस कारण से नहीं हुआ कि मेल से लिया है, इसलिए फाइल का डायरेक्ट लिंक चाहिए होता है, एफटीपी लिंक, उसमें डॉट एक्सलेस एक्स लगा हो लास्ट में। हाँ ये सही है, अभी जो डाउनलोड मैंने किया,
जी हाँ, ये सही है। तो यहां भी किसी फाइल पाथ को आप रख सकते हैं। यहां देखिए लास्ट में दिखा ना, ये पाथ होना चाहिए, एफटीपी मैंने बोला एफटीपी होना चाहिए, तो फिर वो कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह आपके पास सीक्वल सर्वर है, जैसे मेरे पास एक सीक्वल सर्वर है, तो सीक्वल सर्वर से भी हम आसानी से डेटा लेके आ सकते हैं। जब एफटीपी से डेटा लाते हैं थोड़ा सा टाइम लगाता है, जी हाँ। यहाँ के सारे शीट्स, इसे मैं डेटा को सिलेक्ट किया, देन ओके, देन तो फाइल पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर और हमने पिवट टेबल लगा लिया इस पर बिना डाउनलोड किए। तो जब आप आपको अगर मान लीजिए रिफ्रेश करेंगे तो अगेन पिवट टेबल को अपडेट कर लेगा, आप लोग ट्राई करके देखिए, लेकिन एफटीपी से लेके आता है। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि मेरे पास सीक्वल सर्वर है, तो हमें इसको कनेक्ट करता हूँ, इस सीक्वल सर्वर में मेरे पास एक डेटा है और मैं सीक्वल सर्वर से डेटा को लेके आना चाहते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, एक्सेल के। तो सीक्वल सर्वर से भी डेटा आसानी से लाया जा सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वल सर्वर के किस डेटाबेस के अंदर, किस डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल चाहिए आपको। जैसे मुझे आईपीटी के अंदर मुझे यहाँ पे एक डेटा नाम का है वो चाहिए, मतलब कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये डेटा जो है ये डेटा चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पिवट टेबल पे आना है, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, यहाँ पे न्यू सोर्स और यहाँ एसक्यूएल सर्वर, नेक्स्ट। अब आपको चाहिए यहाँ पे सर्वर नेम। तो सर्वर नेम जैसे भी लॉगिंग किया था तो आपने देखा होगा मेरा सर्वर नेम, मैं आज इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर कनेक्ट करूँगा तो यहाँ जो सर्वर नेम आता है यहां इस सर्वर नेम को रख दीजिए आप। अब देखिए मेरा जो है विंडो ऑथेंटिकेशन पे है, यूजर नेम आईडी पासवर्ड नहीं, क्योंकि मेरा जो एक्सक्यूएल सर्वर इसी पीसी में है, इसे लोकल होस्ट है, पर आप लोगों का क्लाइंट सर्वर होगा तो आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा, तो यहां आप डालिएगा, देन नेक्स्ट। अब इसमें से कौन सा डेटाबेस चाहिए, तो आईपीटी का चाहिए, कौन सा टेबल, तो डेटा टेबल चाहिए, नेक्स्ट। एक्सेल में आप देखें यहां आपका कहां से लिया हुआ है डेटा, एसक्यूएल सर्वर से। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लेके आ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे इन्होंने बताया सुधीर जी ने कि वो एसक्यूएल एक डेटा को नोट पैड से लेके आए थे, राइट सर, पर नोट पैड से डेटा एज ए पीडीएफ पीडीएफ में इसमें पिवट टेबल में कैसे आए, एक है ये ऐसा नहीं कि अभी जैसे सिलेक्ट किया उसी तरह से आ जाए, उसका थोड़ा सा काम तिगड़न है, मतलब उल्टा काम। एक मैं नोट पैड की डेटा यहाँ बनाता हूँ, मैंने इसी को कॉपी किया एंड नोट पैड, इसमें मैं पेस्ट कर दिया सेव डेटा, फाइल को भी क्लोज कर देता हूं। मुझे उस नोटपैड की चाहिए। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि जैसे आप नॉर्मली सब करते हैं अभी उस तरह से करेंगे कि आप ब्राउज किए और डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और यहां पे
अब यहां पे देखिए कहीं भी नोट पैड का जिक्र नहीं है, दिख रहा है सर? फिर यहाँ पे डिलिमिटेड और यहाँ पे आपने दे दिया कि भाई कॉमा टैब सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड है, नेक्स्ट फिनिश नहीं लगा पिवट, क्योंकि नोट पैड से डायरेक्ट पिवट नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको जाना होगा डेटा मेनू बार में, डेटा मेनू बार में गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीबीएस में आना होगा, और फिर अपने लोकेशन में आप जाइए माय डॉक्यूमेंट डाउनलोड में, डेटा फाइल सर्च करना होगा, डेटा फाइल सिलेक्ट किया, इंपोर्ट, अब यहां पे लोड नहीं करना है, यहां नीचे इधर कीजिएगा लोड टू, यहां पे टैब सेपरेटेड है या कॉमा सेपरेटेड है यहां चूज कर सकते हो, यहां आपको करना है लोड टू, लोड टू में फिर टेबल चाहिए या पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, पिवट चार्ट चाहिए, तो हमने बोला पिवट टेबल रिपोर्ट, देन अब डेटा यहां पे पिवट टेबल के फॉर्म में आएगा, ठीक है सुधीर जी? सेम इसी तरह से आप जी हाँ हाँ उसी तरह से अगर आपके पास पीडीएफ है और पीडीएफ मान लीजिए कभी जैसे डेटा आपने देखा पीडीएफ फॉर्मेट में डाला हुआ है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लगाना है पिवट, तो उस केस में यहां फ्रॉम पीडीएफ आप अपने लोकेशन पे जाइए जहां पे पीडीएफ डेटा हो, डेस्कटॉप पे तो नहीं है ना, ये रहा डेटा वन, इंपोर्ट, लेकिन ये पीडीएफ वाला जो काम कर रहे हैं ये आपको लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा, ऐसा सोचेंगे तो कौन 7, 10, 13 में खोजे वहां मिल जाए, नहीं मिलेगा। अब देखिए इस पीडीएफ में कितने पेजेस हैं, दिख रहा है? ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं। इसको फिर आप लोड टू पे जाएं और आपको पिवट चार्ट चाहिए, पिवट टेबल रिपोर्ट है ना। बाकी इसको हम आपको जब डेटा क्यूरी पढ़ाएंगे ना, पावर इसको बोलते हैं पावर क्यूरी, उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ बोलिए, पीडीएफ की बात कर रहे हैं आप? तो पीडीएफ में हाँ टेबल पकड़ लेता है, टेबल को रीड कर लेता है, जी हाँ जी हाँ, वो टेबल फॉर्मेट लेता है, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, तो ये हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल था जो आपने सीखा। अब यहां तक 2010 तक का पिवट कंप्लीट होता है, उसके बाद जो आती है वो आती है हमारे लेटेस्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका पिवट,
मतलब कि 13, 16, 19 का पेपर। अब जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, मुझे इस डेटा के ऊपर पिवट मैंने एक रिपोर्ट बनानी है, तो इस केस में क्या होगा कि मैं पिवट टेबल में जाऊंगा, देन ओके। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का सम ले लिया, मैंने नेम वाइज किसी पर्सन वाइज या प्रोडक्ट वाइज मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिया और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एमआरपी का एवरेज ले लिया, एवरेज ऑफ एमआरपी। अब मुझे इस पे विजुलाइजेशन तैयार करना है, मतलब कि इसमें हमें अपना चार्ट तैयार करना है। दिख रहा है इसमें एमआरपी दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। रीजन क्या हुआ कि एक डेटा काफी बड़ा है, दूसरा डेटा काफी छोटा है, जब दो हुए ऐसे और भी हो सकते हैं। सो मुझे यहां पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स चाहिए, राइट सर? तो मैं यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पिवट तैयार करूं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पिवट टेबल, एडजस्टिंग वर्कशीट, और यहां पे हमने इसी के बगल में दूसरा पिवट सिलेक्ट कर लिया, नेम को यहां रखा और यहां पे एमआरपी का एवरेज, एवरेज ऑफ एमआरपी। फिर इसको कॉपी करता हूं, इसके बगल में रखता हूं, मुझे एवरेज हटा देता हूं, मुझे यहां पे टोटल चाहिए। अब मान लीजिए पिवट लगाने के लिए बार बार करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट किया, यहां पे मैं नेम हटा देता हूं, मैं यहां पे प्रोडक्ट रख देता हूं। ऐसे तीन चार हमने यहां पे कर लिया, चार कर लिए सर अलग अलग। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं यहां पे पेज फिल्टर लगाना चाहता हूं, मान लीजिए पेज फिल्टर हम लगाना चाहते हैं सेल्स मोड पे। अब सेल्स मोड पे मैंने सेलेक्ट किया, एफिलिएटेड सेलेक्ट किया, तो सिर्फ हमारा एक पिवट चेंज हुआ, बाकी चेंज नहीं हुआ। हम चाहते हैं बाकी भी चेंज, उसके लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए उससे पहले हम एक डैशबोर्ड, यहाँ पे एक समरी या डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं अलग अलग पिवट के माध्यम से, और फिर हम इस पर करेंगे सर। इंसर्ट, यहाँ से हम चार्ट लेते हैं, हमने इसको कॉपी यहाँ लिया, कट किया, समरी सीट पे गया और यहाँ पे इसको डाल दिया। ये राइट क्लिक कीजिए, ये जो बटन दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, हाइड ऑल बटन्स ऑन चार्ट, और चार्ट पे गया, यहाँ पे डिजाइन में आया, एक अच्छा खासा डिजाइन हम चूज कर लेते हैं इसके। इस चार्ट पे आता हूँ, इस चार्ट पे भी मैं कंट्रीब्यूशन का चार्ट लेता हूँ, यहाँ से इसको कट किया, समरी पे आया, समरी पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, हाइड ऑल बटन, जो नीचे दिख रहा है इसके जगह पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड डेटा लेबल, डेटा लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और चला जाता हूँ कहाँ पे, फॉर्मेट डेटा लेबल। इसमें मुझे परसेंटेज भी चाहिए, सीरीज का नेम भी चाहिए, और उसके बाद ये जो नंबर फॉर्मेट इसमें आएगा आपको, नंबर, नंबर पे मैंने यहाँ पे नंबर पे यहाँ पे दे दिया मैंने 0.00, दो मतलब दो ग्रेस में पहले से, एक मिनट परसेंटेज हटा देता हूँ, परसेंटेज दो रखने पे दिक्कत है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये जो था इसको मैं जनरल कर देता हूँ और डेटा में आता हूँ, जो डेटा है हमारा इसमें जो ये डला हुआ है डेसिमल उसको कम कर देता हूँ, तो यहाँ भी कम हो गया, इसको यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ डिजाइन में अच्छा सा डिजाइन है।
नीचे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, इसमें हम नहीं, इसको हम चार्ट इसमें नहीं लगेगा, कलम चालू रखते हैं। लास्ट इसमें मैं फाइल चाहती हूँ, तो कट किया, ये चार्ट हमारा बन गया। और यहाँ पे हम एक बड़ा सा हेडिंग भी दे देते हैं। एक बार रीज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। अब यहां पे हमने बना लिया राइट, बट प्रॉब्लम वही है कि फिल्टर का, हमें अलग अलग एंगल से फिल्टर करना है, कैसे करें? तो फिल्टर के केस में हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम यहां पिवट टेबल के एनालाइज में आते हैं, इंसर्ट स्लाइसर। तो मुझे सेल्स मोड पे देखना है, मुझे मान लीजिए सिटी पे देखना है, मुझे प्रोडक्ट पे देखना है, और यहाँ मेरे पास साइट्स है, साइट्स के ऊपर देखना। तो ये हमने क्लिक किया और ये मेरे पास ये स्लाइसर्स का बन के आ गया। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम कि मैं अगर आईपीटी इंडिया सेलेक्ट करता हूँ या मैं सीडी सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ मेरा एक ही डेटा जो है, एक ही पिवट टेबल मूव हो रहा है, क्योंकि बाकी पिवट टेबल के साथ हमने अभी तक कनेक्ट ही नहीं किया है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, इस पर कर्सर रखिए और यहां आपके सामने आता है फिल्टर कनेक्शन, और जितने भी यहां है सब पे क्लिक करते चले जाइए, हर पिवट में वन बाय वन, ठीक है? या फिर एक बार पिवट लगा लीजिए और डेटा कॉपी पेस्ट करते, साइसर लगा लीजिए और पिवट कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, तो आपको बार बार ना करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एफिलेटेड को सिलेक्ट करता हूँ, जयपुर को सिलेक्ट करता हूँ, देख रहे हर एक पिवट चेंज हो रहा है। अब मुझे इस पूरे को कॉपी करके अपने समरी शीट पे उठा के ले जाना है, कट किया और समरी शीट पे मैंने रख दिया, और इसको अपने हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हैं। इसको मैं लाइनिंग भी कर सकता हूं स्लाइसर में, टू थ्री,
अब देखिए, अब मैं यहां पे आईपी इंडिया सेलेक्ट किया, दिख रहा है सर? तो इस तरह से अपना डैशबोर्ड तरह का बना सकते हैं, ठीक है? इस स्लाइड से रहता तो डैशबोर्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब इस पे टाइम देना पड़ेगा तो और भी अट्रैक्टिव बन सकता है, ठीक है? तो अरविंद जी, गार्गी जी, हेमा जी, कंचन जी, समझ में आया आपको? चलिए कोई बात नहीं, ये हमने बात कर। तो हमने पिवट का आज के फर्स्ट पार्ट खत्म किया। सेकेंड पार्ट आता है रिलेशनशिप एंड पावर पिवट। तो एक ब्रेक के बाद करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ब्रेक के बाद हम आते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्लाइसर्स। स्लाइसर्स हो गया हमारा पिवट, रिलेशनशिप पिवट टेबल एंड पावर पिवट टेबल के बारे में।